डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो हमने बात की है, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर हमने ओनली एक्सटर्नल पार्ट्स पढ़े उनके, किडनी किस तरह से दिखाई देती है, यूरेटर, यूरिनरी, ब्लैडर, सब हमने सिंपल पढ़ा है। अब हम बात करेंगे इंटरनली जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। सबसे पहले हम क्या बात करें बेटा, किडनी के बारे में। पहला हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट क्या था, किडनी थी। फिर क्या थे बेटा, यूरेटर्स थे। फिर क्या थे बेटा, यूरिनरी, ब्लैडर। और आखिर में हमारे पास में क्या था बेटा, यूरेथ्रा। यही सारी चीज़ें थी। तो वन बाय वन हम इनके क्या पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम कौन किसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किडनी। तो किडनी का नाम हम क्या कहते हैं बेटा, रीनल कहेंगे। क्या कहेंगे हम, रीनल कहते हैं मेडिकल टर्म में। अगर हम बात करेंगे किडनी, तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, किडनी हमारे पास कैसी थी, बीन शेप थी, बाहर से हमने बात की। तो किडनी की जो कवरिंग होगी, हमने किडनी को कट किया है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के अंदर, जो हमारी किडनी की कवरिंग है, ठीक है, ये जो हमारी किडनी की कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी इज नोन एज रीनल कैप्सूल। क्या कहा जाएगा बेटा, इसे रीनल कैप्सूल कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, रीनल कैप्सूल कहलाई जाएगी, प्रोडक्शन का काम करेगा। अब मैंने आपको बताया, जितने भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, उनके बाहर हमेशा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू। तो इस रीनल कैप्सूल के बाहर भी, इस पूरे रीनल कैप्सूल के बाहर हमारे पास कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा, ये एडिपोज टिश्यू, फैट है ये। क्या प्रेजेंट है बेटा, फैट प्रेजेंट होती है, एडिपोज टिश्यू, जो क्या करेगा, इसको प्रोडक्शन का काम करेगा, शॉक अब्सॉर्बेंट का काम कर रहा है। और इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होगी, एक और लेयर प्रेजेंट होगी, और उसे हम क्या नाम देंगे, रीनल फैसिया। क्या नाम देंगे बेटा, रीनल फैसिया कहेंगे हम। क्या कहेंगे, रीनल फैसिया। रीनल कैप्सूल किसका बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। किसका बना होगा बेटा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, या एडिपोज टिश्यू होगा, ये भी किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। तो आपको याद रखना है, हमने क्या कहा, हमने इसकी तीन, आउटर कवरिंग के बारे में अगर हमने बात की, तो तीन लेयर हो गई है। सबसे पहले हमने क्या कही बेटा, अंदर की तरफ से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के बाहर क्या हो गया, एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू के बाहर क्या हो गया बेटा, रीनल फैसिया हो गया, FASCIA, फैसिया, ठीक है। ये हमने अब अंदर, जब भी हम किसी चीज़ को कट करते हैं, हमें दो तरह की चीज़ें दिखाई देती है। मैंने आपको नाइन्थ क्लास के अंदर बताया, हम आउटर फेस को हमेशा क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को हम हमेशा क्या कहते हैं बेटा, मेडुला कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मेडुला। तो इसको कट किया गया, तो इसके अंदर भी दो फेस दिखे, आउटर एंड इनर। जो अलग था आउटर के अंदर, यहाँ पे फाइब्रस टाइप में था, ठीक है, और अंदर का पार्ट अलग था। तो आउटर वाले पार्ट को हमेशा हम क्या नाम देते हैं बेटा, मेडुला। आउटर वाले पार्ट को भी मैंने क्या बताया, कॉर्टेक्स कहेंगे। अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मेडुला। तो जो ये वाला पार्ट हम बना रहे हैं इस तरह से, इस तरह का ये जो पार्ट्स हो गया है, तो ये क्या हो गया बेटा, कॉर्टेक्स हो गया। क्या हो गया, कॉर्टेक्स, रीनल का हो गया। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। क्या कह देंगे, रीनल कॉर्टेक्स। अंदर वाला ये सारा का सारा पार्ट, अंदर वाला ये सारा का सारा पार्ट क्या हो जाएगा, मेडुला। क्या हो जाएगा, मेडुला। इसे हम क्या कहेंगे, रीनल मेडुला। इस रीनल मेडुला के अंदर किस तरह से अरेंजमेंट होते हैं, इन दिस रीनल मेडुला देयर आर द पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह से। क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से। क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। इन्हें हम क्या नाम दे देंगे, भी मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या कह देंगे, मेडुलरी पिरामिड। क्या कह देंगे इन्हें हम, मेडुलरी पिरामिड कह देंगे, ठीक है। ये पूरा मेडुला हिस्सा, मेडुला हिस्सा के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, ये मेडुलरी पिरामिड्स होंगे, जो पिरामिड शेप के हैं। ये हमने क्या बना दिए, ये सारे के सारे मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ठीक है। और इस मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर, ठीक है, अब हम पूरा बताएंगे, इन्हीं के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका हम नेफ्रॉन के बारे में बताएंगे किस तरह से। पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा, अंदर मेडुला, और मेडुला के अंदर ही पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, मेडुलरी पिरामिड। क्या नाम दे रहे हैं बेटा, मेडुलरी पिरामिड। एंड दीज मेडुलरी पिरामिड ओपन, इस तरह से क्या होंगे बेटा, ये ओपन होते हैं,
क्या होंगे, ये ओपन होंगे, और जहाँ ये ओपन हो रहे हैं हम रीनल पैपिला नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं इन्हें हम? रीनल पैपिला। क्या नाम दे रहे हैं बेटा इन्हें हम? रीनल पैपिला कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रीनल पैपिला। और दीज रीनल पैपिलास, जो ये रीनल पैपिलास होंगे ये किसके अंदर ओपन हो जाएंगे? इस तरह से ये ओपन हो गए, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। ये क्या होते हैं बेटा? ये रीनल पैपिलास है, ठीक है, और ये रीनल पैपिलास ओपन हो रहे हैं, हम कैलाइस कहते हैं, कैलेक्सिस कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें हम? कैलेक्सिस कहेंगे। छोटे छोटे कैलेक्सिस बनाए हैं, इन कैलेक्सिस को हम क्या नाम दे रहे हैं? माइनर कैलेक्सिस, कैलाइसिस भी बोल देते हैं। कैलाई मतलब सिंगल होगा तो इस तरह से एक्स लगा देंगे, प्लूरल में ये लगा दे कैलाइसिस। तो ये किसके अंदर ओपन हो रहा है बेटा? माइनर कैलाइसिस में। और ये माइनर कैलाइसिस इस तरह से थोड़े आगे जाके थोड़े थोड़े बड़े होंगे इस तरह से। ये सारे बेटा इनको हमने छोटे छोटे वाले हिस्से को तो हमने क्या कहा? माइनर कैलाइसिस। और इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? जो बड़े हिस्से दिख रहे हैं इसमें, यहीं पे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये पूरा एक नहीं है। जैसे ये इसके अंदर होगा तो एक बड़ा कैलेक्स, ये बड़ा कैलेक्स, तो इसे हम क्या नाम देंगे? मेजर कैलाइसिस। माइनर कैलेक्सिस 9 से 11 नंबर में होते हैं मोस्टली, और ये 5 से 6 नंबर में वेरी करेगा, ठीक है, 5 से 6 नंबर में। इस तरह से हमने क्या बना दिया बेटा? मेजर कैलाइसिस बना दिए, ठीक है। एंड दिस मेजर कैलाइसिस ओपन इनटू, ये हम सारे क्या बना रहे बेटा? मेजर कैलाइसिस। एंड दिस मेजर कैलाइसिस ओपन इनटू, ये अगर जो हमने बना दिया है इसे हम क्या नाम देंगे? रीनल पेल्विस। क्या नाम देंगे बेटा? रीनल पेल्विस। और यार रीनल पेल्विस से क्या हो जाती है कि किसके अंदर एंटर करेगा? यूरेटर के अंदर। ये किसके अंदर एंटर करेगा बेटा? यूरेटर। अगर इसको हम पूरा ड्रॉ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक हो जाता है ये, ठीक है। और ये हमारा हाइलम रीजन था, था ना, ये हमारा हाइलम रीजन था जहाँ से यूरेटर की एंट्री होगी और रीनल वेन्स की और रीनल आर्टरी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। क्या हो गया? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो दोबारा से आपको समझ में आया, एक बार दोबारा से फिर हम बताएंगे आपको। बाहर वाली कवरिंग रीनल कैप्सूल, उसके बाहर एडिपोज टिश्यू, उसके बाहर रीनल फेशिया, अंदर दो हिस्सों में डिवाइड, आउटर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला कहा जाएगा, ठीक है। और मेडुला के अंदर ये मेडुलरी पिरामिड है, ये जिनके अंदर ओपन हो रहा है इन्हें हम रीनल पैपिलास कहते हैं। रीनल पैपिलास माइनर कैलाइसिस में ओपन होंगे, और ये माइनर कैलाइसिस ये मेजर कैलाइसिस के अंदर ओपन हो रहे हैं, और ये मेजर कैलाइसिस रीनल पेल्विस के अंदर ओपन होगा, ठीक है, रीनल पेल्विक के अंदर। रीनल पेल्विक किसके अंदर ओपन होगा? यूरेटर के अंदर। किसके अंदर होगा? यूरेटर के अंदर, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो हमने क्या कहा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आउटर कवरिंग हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। आउटर कवरिंग हमने क्या कही है? बिल्कुल रीनल फेशिया हो गई। क्या हो गई? रीनल फेशिया। रीनल फेशिया के बाद हमारे पास क्या हो गया? एडिपोज टिश्यू हो गया, और इसके बाद हमारे पास क्या हो गया बेटा? रीनल कैप्सूल हो गया। क्या हो गया? रीनल कैप्सूल। ये सारे किसका काम करते हैं? प्रोडक्शन का काम करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्शन का। उसके अंदर हिस्से में क्या हो गया? कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स के अंदर हिस्से से अंदर वाला हिस्सा क्या हो गया? मेडुला। अब इस मेडुला अंदर के अंदर जो पिरामिड्स होंगे, क्या होंगे बेटा? जो पिरामिड्स होंगे इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? मेडुलरी पिरामिड। क्या नाम दे देंगे इन्हें हम? मेडुलरी पिरामिड। और ये मेडुलरी पिरामिड किसके अंदर ओपन हो जाएंगे बेटा? रीनल पैपिला के अंदर। किसके अंदर ओपन हो गया? रीनल पैपिला। और रीनल पैपिला किसके अंदर ओपन होंगे? माइनर कैलाइक्स के अंदर। और ये किसके अंदर ओपन होंगे? मेजर के अंदर। और मेजर कैलाइस के अंदर होंगे, और मेजर कैलाइस किसके अंदर होगा बेटा? रीनल पेल्विस के अंदर ओपन होगा, पेल्विक के अंदर ओपन होगा, और ये फिर किसके अंदर ओपन हो जाएगी? यूरेटर। आपका ये अरेंजमेंट पूछते हैं कि जो यूरिन जैसे कि अगर हम बात करेंगे, नेफ्रॉन हमारे मेडुलरी और कॉर्टेक्स हिस्से में प्रेजेंट होगी, किस तरह से होगी हमें बाद में, क्योंकि हम नेफ्रॉन का मेरा जनरल स्ट्रक्चर पढ़ना, कौन सा पार्ट किसके अंदर प्रेजेंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से पूछते भाई यूरिन बनी, तो यूरिन बन के कहाँ पे आएगी? मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड से रीनल पैपिला, रीनल पैपिला से माइनर कैलाइस, माइनर से मेजर, मेजर से रीनल पेल्विक, और रीनल पेल्विक से यूरेटर, देन यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर, और यूरिनरी ब्लैडर से हम क्या करते हैं? यूरेथ्रा से बाहर की तरफ निकाल देते हैं। आई होप आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। एक बार लास्ट बार फिर से देख लो, बाहर वाले सारे बच्चे रिवाइज करना। रीनल फेशिया करेक्टिव टिश्यू है, सारे एडिपोज टिश्यू, रीनल कैप्सूल, ये क्या हो गया बेटा? कॉर्टेक्स। ये क्या हो गया? पूरा ये रीजन क्या कहलाया जा रहा है? मेडुलरी। यहाँ पे पिरामिड्स हो गए, रीनल पैपिलाज हो गए, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, ठीक है, मेजर कैलेक्स रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस किसके अंदर ओपन हो गए? यूरेटर। और ये रीजन क्या कहलाया जाता है? हाइलम रीजन कहलाया जाता है, ठीक है बेटा। ये हमने क्या पढ़ा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, इंटरनल पार्ट्स पढ़े। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात कर ली? हमने
किडनी के बारे में बात कर ली है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे जो आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है, यूरेटर्स के बारे में। आपको यूरेटर के बारे में, देखो बेटा हमारी किडनी का साइज़ सेम है लेकिन ओनली राइट किडनी क्या है थोड़ी सी नीचे होती है, तो ऑलमोस्ट दोनों यूरेटर का साइज़ बराबर है, माइनर सा फ़र्क मिलेगा क्योंकि पुश हो गई है, ठीक है। तो वो क्या होती है थोड़ा सा ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल माइनॉरिटी के अंदर हम बराबर ही कहते हैं इन्हें भी, यूरेटर हमारे क्या होते हैं बेटा बराबर साइज़ के ही होते हैं। लेकिन आपको यहाँ यूरेटर, आपको मैंने बताया था जो एपिथेलियल टिश्यू होगा ये सब किसके बने होंगे, एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, अगर आपको याद है, ठीक है। हमने तीन तरह के टिश्यू बताए हुए थे, एक हमने सिंपल बताया था, एक स्ट्रेटिफाइड, और एक हमने क्या बताया था ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू तो आपको याद रखना है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू मैंने किसके अंदर बताया था आपको, यूरिनरी सिस्टम के अंदर। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट आ जाएंगे, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, सब किसके बने होंगे बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। और ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही मिलता है इसलिए इस टिश्यू को हम क्या भी कहेंगे, यूरोथीलियल टिश्यू भी कहेंगे। तो आपको याद रखना है बेटा लाइनिंग ऑफ द यूरेटर इज मेनली मेड अप ऑफ, क्योंकि ये हमारे पास है बेटा तो इसमें पूछ भी सकते हैं कि हम ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते भी, आपने एनिमल टिश्यू के बारे में पूछ लिया तो आप पूछ सकते हैं यूरेटर किसके बने होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा लाइनिंग ऑफ द यूरेटर इज मेनली मेड अप ऑफ द यूरो, या तो आपको यूरोथीलियल टिश्यू मिलेगा या क्या मिलेगा बेटा ट्रांजिशनल टिश्यू। बाकी ये पूरा होलो होता है अंदर से, इसकी लाइनिंग को आपको याद रखना है इसकी बनी हुई होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर, किसके बारे में बात करें बेटा यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर का मतलब होता है थैली, यूरिन, यूरिन को कलेक्ट इकट्ठा कर रही है, ठीक है। यूरिन को क्या कर रही है इकट्ठा, फिल्ट्रेशन कंटिन्यूअस हो रहा है लेकिन रिलीज ऑफ द यूरिन क्या होता है इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करेंगे तो हमने क्या कहा बेटा ये यूरिनरी ब्लैडर पियर शेप का होता है, कैसे शेप का होता है बेटा यहाँ पे ये पियर शेप का होता है, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा बेटा ये यूरेथ्रा और ये चीज़ क्या हो गई है यूरिनरी ब्लैडर हो गया है, ये चीज़ क्या होगी बेटा यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो आपको क्या करना है, ये भी हमारे पास अंदर की लाइनिंग तो यूरोथीलियल टिश्यू की बनी है और इसके अंदर अंदर फिर ये यहाँ पे क्या ये किसका होगा बेटा मस्कुलर ऑर्गन होगा, ये अंदर से होलो है लाइनिंग किसकी बनी है ये, लेकिन पूरा का पूरा कौन सा है बेटा ये मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी मसल्स का नाम याद रख लेना, इसकी मसल्स को हम डिटर्सर डिटर्सर मसल्स कहते हैं, क्या नाम देंगे डिटर्सर मसल्स, क्वेश्चन पूछते हैं डिटर्सर मसल्स कहाँ है तो किसकी होगी बेटा यूरिनरी ब्लैडर, जो मसल्स है किसे नाम दिया गया यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है। अब आपको जैसे ये यूरेटर्स आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं हमने क्या कहा भाई ये किडनीज हो गई है और ये किडनी से क्या आ गए हैं यूरेटर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं यूरेटर, ध्यान देना बेटा यूरेटर कभी भी यहाँ से ओपनिंग नहीं हो रही, इसके पीछे से आएंगे बैक से, कि कहाँ से आएंगे इसके पीछे से आते हैं, अंदर से यहाँ से ओपनिंग नहीं है। जैसे कि अगर मान लो ये हमारे पास ये हो गया तो ये इधर से इस तरह से आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब ऐसे ही इधर से आएंगे पीछे से, ठीक है। कहाँ से आएंगे इसके पीछे से ओपनिंग होगी, तो यहाँ पे ये दो ओपनिंग होगी, ठीक है ध्यान देना, और यहाँ पे ये एक ओपनिंग होगा, तो अंदर की तरफ एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बना नहीं हुआ है। जैसे कि अगर हमारे इमेजिन करो कोई धसा हुआ पार्ट सा होता है, जैसे ये दो ओपनिंग यहाँ पे आ गई और एक ओपनिंग यहाँ पे हो गई, जो किसकी ओपनिंग होगी बेटा यूरेथ्रा की, तो अंदर हमारे यहाँ पे एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसे क्या नाम दिया गया है ट्राइगोन नाम दिया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है बेटा ट्राइगोन। तो क्वेश्चन आता है ट्राइगोन कहाँ प्रेजेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। ट्राइगोन का मतलब क्या हो गया ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर हो गया, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे इस जैसे के अंदर हमारे कोई भी पार्ट है यहाँ पे तीन से ये लगा लो इमेजिन लगा लो, एक ओपनिंग यहाँ पे हो गई हमारी, ठीक है एक ओपनिंग यहाँ पर, एक ट्राइंगुलर जैसा दिखाई देगा, तो वैसा ट्राइंगुलर जैसा दिखाई दे रहा है इसे हम क्या नाम दे रहे हैं ट्राइगोन कह रहे हैं। तो ट्राइगोन में आता है क्या है ट्राइगोन, ट्राइगोन में हम क्या कहेंगे तीन ओपनिंग्स हैं, क्या बेटा तीन ओपनिंग, दो ओपनिंग तो किसकी हो गई है यूरेटर्स की और एक ओपनिंग किसके अंदर एंटर करेगा यूरेथ्रा के अंदर, किसके अंदर एंटर करेगा यूरेथ्रा के अंदर। तो आपको ये याद रखनी है यूरिनरी ब्लैडर हमने क्या कहा बेटा, क्या कहा है इसकी जो लाइनिंग है वो किसकी बनी होगी यूरोथीलियल टिश्यू की, यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर और यूरेथ्रा इन सब की लाइनिंग किसकी बनी होगी ये किसकी बनी होगी बेटा ये यूरोथीलियल टिश्यू एपिथीलियल टिश्यू की बनी हुई है। ये मसल्स होता है मस्कुलर ऑर्गन होता है, तो इसके मसल्स को क्या नाम दिया गया डिटर्सर मसल्स नाम दिया गया, इसके अंदर एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसे हम क्या कहेंगे ट्राइगोन, क्वेश्चन आ जाता है ट्राइगोन प्रेजेंट इन, तो आंसर क्या हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। और ट्राइगोन एक्चुअल में क्या है तीन ओपनिंग्स है और इस तरह से रियलाइज होता है एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, तो दो ओपनिंग किसकी हो गई यूरेटर की और एक ओपनिंग किसकी हो जाएगी बेटा ये यूरेथ्रा की, किसकी हो जाएगी यूरेथ्रा की। अब लास्ट अगर हम बात करेंगे तो लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा यूरेथ्रा, लास्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा
यूरेथ्रा हो जाएगा बेटा। लास्ट हमारे पार्ट क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा। मेल और फीमेल में अलग अलग साइज का होता है यूरेथ्रा, ये इस तरह से ध्यान देंगे बेटा। ये हमने क्या कहा, यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या हो जाएगी, यूरेथ्रा हो जाएगा। ठीक है, यूरेथ्रा क्या, इसकी ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे, यूरेथ्रल ऑरिफाइस। क्या नाम देंगे इसे, यूरेथ्रल ऑरिफाइस या यूरेथ्रल यूरेथ्रा, मियटस वर्ड भी देते हैं, क्या कहेंगे, मियटस। इसकी लाइनिंग तो सेम किसकी बनी होगी बेटा, एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। यहाँ पर स्पिंचर्स प्रेजेंट है, ये क्या होंगे, स्पिंचर। ये बाहर वाला स्पिंचर इसे हम क्या नाम देंगे, एक्सटर्नल स्पिंचर। ये अंदर वाला स्पिंचर ये किसका होगा बेटा, इंटरनल स्पिंचर्स है। एक एक्सटर्नल स्पिंचर और एक इंटरनल, मैंने आपको एनएस के अंदर भी बताया था कि दो ही स्पिंचर प्रेजेंट है, एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। एक्चुअल में इनके जो स्पिंचर होते हैं वो डिटर्सर मसल्स के ही बने होंगे, इसी से बने होंगे। कौन से मसल्स के बने होते हैं बेटा, डिटर्सर मसल्स के ही बने होंगे। इंटरनल हेड डिटर्सर मसल्स, सॉरी, जो इंटरनल स्पिंचर वो मेनली किसका बना होगा, डिटर्सर मसल्स का, जो स्मूथ होती, ये कैसी होंगी बेटा, स्मूथ। बट जो एक्सटर्नल स्पिंचर होगा वो किसका बना होता है, स्ट्राइटेड मसल्स का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, स्ट्राइटेड मसल्स। तो दो स्पिंचर है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंचर। इंटरनल स्पिंचर डिटर्सर मसल, जो एक तरह की स्मूथ मसल्स हैं, और एक्सटर्नल स्पिंचर किसका होगा, किसका होगा, स्ट्राइटेड मसल्स, मतलब ये स्केलेटन हमारी इच्छा से काम कर रही है। ठीक है, तो जब तक ये बंद है, क्लोज है, ठीक है, क्योंकि क्या है, स्मूथ मसल हमारी इच्छा से काम नहीं कर रही, इसको बंद करके रख रही है। इसको क्या करके रख रही है बेटा, बंद करके रख रही है। यूरिन धीरे धीरे यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और जब हमें क्या करना है, हम यूरिन को बाहर निकालेंगे तो ये स्ट्राइटेड मसल अपना काम करेगी, ओपनिंग होनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, हम यूरिन को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो आपको याद रखना है, दो स्पिंचर, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल किसका बना होगा, स्मूथ मसल का, और एक्सटर्नल किसका बना होता है बेटा, स्ट्राइटेड मसल्स का बना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो फटाफट दोबारा से हम रिवाइज करेंगे। सो पहले हमने क्या बात की बेटा, किडनी, किडनी को हम रीनल नाम दे रहे, तो यहाँ पे जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम रीनल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये क्या हो गया, वेरी गुड, रिपीट करेंगे मेरे साथ, रीनल कैप्सूल। दिस वन इज एडिपॉज टिश्यू, दिस वन इज रीनल फेसिया, ये अंदर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, उससे अंदर वाला हिस्सा मेडुला, दिस आर द मेडुलरी पिरामिड्स, ओपन इनटू रीनल पैपिलास। ठीक है, ओपनिंग है रीनल पैपिला, ओपन इनटू द माइनर कैलाइसिस, माइनर मेजर कैलाइसिस, मेजर रीनल पेल्विक, और रीनल पेल्विक में किसके अंदर आ जाएगा, ये यूरेटर के अंदर आ जाता है। और यूरेटर के अंदर अगर हम बात करेंगे, यूरेटर हमारे पास किसका बना हुआ होता है बेटा, यूरेटर इज मेनली मेड अप ऑफ द, यूरेटर हमारे पास किसका बना होता है बेटा, हमारे पास में किसका बना होगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियल का, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये किसके अंदर ओपन होगा, हमारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर में भी किसकी होगी, यूरोथेलियल टिश्यू की। और कैसा ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, पियर शेप होता है। और इसके अंदर जो मसल्स, इसे मेनली क्या नाम दिया गया, डिटर्सर मसल्स। यहाँ पे एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्राइगोन नाम दे रहे हैं, जिसके अंदर तीन ओपनिंग हो गई है। ठीक है, दो ओपनिंग किसकी हो गई है बेटा, ये यूरिनरी यूरेटर्स की, और एक ओपनिंग किसकी हो गई है, यूरिथ्रा की ओपनिंग हो गई है। देन आखिरी में हमने क्या बात की है बेटा, ये यूरिथ्रा बात की है। यूरिथ्रा की लाइनिंग भी किसकी बनी होगी, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। यहाँ पे दो स्पिंचर्स प्रेजेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंचर्स प्रेजेंट है। इसकी ओपनिंग को यूरेथ्रल ऑरिफाइस, यूरेथ्रल मियटस वर्ड नाम दिया गया। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग भी कह देते हैं। एक इंटरनल स्पिंचर और एक एक्सटर्नल स्पिंचर से, स्पिंचर सबको पता है, जो बैकफ्लो को रोकते हैं। इंटरनल स्पिंचर डिटर्सर मसल्स के बने हैं, बट एक्सटर्नल स्पिंचर किसके बने होंगे, स्टार्टेड मसल्स के बनेंगे, हमारी इच्छा से काम करता है। व्हेन वी वांट टू इजेक्ट द यूरिन आउटसाइड आवर बॉडी, देन ये क्या करेंगे, अपनी मर्जी से ओपन होंगे, इनके ओपन होते ही ओपन हो जाती है, और फिर क्या होगा बेटा, ये हम यूरिन को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेफ्रॉन के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है,